देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर, देखते आज की कुछ खास खबर। नागपुर के केपी ग्राउंड में मिली 202 वर्ष पुरानी तोपें, सेना के कब्जे में 4 तोप। नागपुर के ऐतिहासिक कस्तूरचंद पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए परिसर में खुदाई की जा रही है। इस परिसर में हड़बड़ी तब मच गई जब बुधवार की रात खुदाई के दौरान मजदूरों ने 4 बड़ी बड़ी ऐतिहासिक तोपों को जमीन से निकाला। जानकारी मिलते ही बर्डी किले के सेना के जवानों ने तोपों को अपने कब्जे में ले लिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तोपें करीब 202 वर्ष पुरानी हो सकती है। इस ऐतिहासिक तोपों के मिलने के बाद परिसर में और भी युद्ध सामग्री दबी होने की आशंका जताई जा रही है। आसपास व राह चल रहे नागरिकों को इसकी जानकारी मिलते ही तोपों को देखने के लिए मैदान में लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने कहा कि कस्तूरचंद पार्क में मिली तोपों की जांच व जानकारी पुरातत्व विभाग द्वारा निकाली जा रही है। फिलहाल तोपों को सीताबर्डी किले में रखा गया है। इन तोपों पर सिटी के नागरिकों का अधिकार है, इसीलिए बारीकी से निरीक्षण किए जाने के बाद उन्हें साफ कर सेंट्रल म्यूजियम में जनता के देखने के लिए रखा जाएगा। नागपुर नियमों के अनुसार 23 वैद्यकीय व्यावसायिकों पर कार्रवाई। नियम के अनुसार अस्पतालों में निर्मित होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का निपटारा अलग पद्धति से कराना अनिवार्य है, जिसके लिए मनपा की ओर से सेवाएं भी प्रदान की जाती है। इसके बावजूद साधारण कचरे में बायोमेडिकल वेस्ट मिलाकर कचरे का निपटारा करने वाले 23 वैद्यकीय व्यावसायिकों पर मनपा के उपद्रव शोध दल की ओर से कार्रवाई की गई। मनपा के सभी 10 जोन में की गई कार्रवाई में दस्ते की ओर से 2,19,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया। विशेषता सीताबर्डी स्थित एक वैद्यकीय व्यावसायिक द्वारा इस तरह की कार्रवाई किए जाने पर धर्मपेट जोन में नियुक्त दस्ते की ओर से 25,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगार के निर्देशों के अनुसार सभी 10 जोन में तैनात टीम की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चुनाव के दिन दे सकते हैं विज्ञापन। 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दिन एवं चुनाव के पूर्व 20 अक्टूबर को उम्मीदवार एवं प्रतिनिधि वृत्त पत्रों में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उम्मीदवार एवं उनके प्रतिनिधियों को पहले सार्वजनिक प्रसार माध्यम प्रमाणीकरण और संनियंत्रण समिति की अनुमति लेना अनिवार्य है। अफवाहों के फैलाने वाले व आपत्तिजनक राजनीतिक विज्ञापन व खबरों से मतदान या उसके एक दिन पहले प्रकाशित होने से चुनाव प्रक्रिया में बाधा निर्माण हो सकती है। ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने संविधान की धारा 324 अनुसार आयोग को दिए गए अधिकार का उपयोग कर आदेश निकाला है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।